अब ये अधिकारी लोग ऊपर देखो बड़े प्यार से सुन रहे होंगे, आ गया संजीव कुमार, मुझे एक फोन आया, सच सुबह ही फोन आ गया बहुत बड़े किसी का, देखना संजीव ज्यादा ना चमड़ी नहीं देना मारी, बता दिया क्या थी। तो मैंने बोला सर मैं काम देखता हूँ, मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेरे से ये लोग पूछते मैं तो वो बताता हूँ। पर अभी विधानसभा स्पीकर साहब की पता चला, मीडिया वाले जो इतने प्यार से है, बहुत बढ़िया, पता चला कि स्पीकर साहब का जो बंगला बन रहा है वहां पे 2 करोड़ खर्च तो हो चुके हैं, अभी आगे पता नहीं कितने खर्च होने हैं। अब एमएलए लोग भी पीछे क्यों रहते हैं भाई, वो भी अपनी जगह ठीक है। मेट्रोपोल बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, बड़े आप सब जानते हैं। अब पता चला कि मेट्रोपोल को उखाड़ के वहां पे एमएलओ के लिए और उनके सर्वेंट के लिए बिल्डिंग बजाई जा रही है और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते पैसा नहीं है। अब ये अधिकारी लोग ऊपर देखो बड़े प्यार से सुन रहे होंगे, आ गया संजीव कुमार, मुझे एक फोन आया, सच सुबह ही फोन आ गया बहुत बड़े किसी का, देखना संजीव ज्यादा ना चमड़ी नहीं देना मारी, बता दिया क्या थी। तो मैंने बोला सर मैं काम देखता हूँ, मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेरे से लोग पूछते मैं तो वो बताता हूँ। अधिकारी लोग इनके कमरे में जाओ, आप बाहर फट्टी लगी होती है 3 बजे के बाद मिले, देखी होगी आपने। अब जब 3 बजे के बाद कोई इनको पास जाता है तो पहले तो ये बैठने को नहीं बोलते हैं, जब कहीं बैठने को बोल ही दिया तो ये चाय नहीं पिलाते हैं, लेकिन आदर और सत्कार के लिए 5000 भत्ता मिलता है, 4000 रुपया भत्ता मिलता है। अरे भाई जब तुम बैठने के लिए नहीं बोलते तो काहे का आदर सत्कार का भत्ता तुम्हारे को।